हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में हमारा नया टॉपिक ले रहे हैं आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि हमारे 9th और 10th दोनों में है। एक तो आयनन एंथैल्पी होती है और एक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास में है वो है आयनन एंथैल्पी कि आयनन एंथैल्पी होता क्या है। स्टूडेंट, इसका पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया है, उसमें ये सारी डिटेल है, लेकिन यहाँ पर जो समझाने वाली बात है, जो डेफिनेशन जो समझाने वाली बात है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखें, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से, ठीक है, यानी कि कोई एक तत्व है जो कि गैसीय अवस्था में है, ठीक है, गैसीय अवस्था में किसी एक तत्व से, एक उदासीन परमाणु से, ये पूरा एक उदासीन परमाणु है गैसीय तत्व वाला, इससे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि इससे एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए, समझना कि गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से, यानी कि गैसीय अवस्था में उदासीन तत्व एक ये एक परमाणु है हमारे पास में और इसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए, ठीक है, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से मुझे क्या करना है, अलग करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा यहाँ पे दी जाती है, ठीक है, गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा हमारे पास में क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। समझे दोबारा, गैसीय अवस्था में किसी एक तत्व से, एक उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसे मैं एक बार और समझा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए कि हमने बोला है कि गैसीय अवस्था से उदासीन परमाणु से, गैसीय अवस्था में उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन, मैं इसमें से क्या निकालूंगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए, ठीक है, गैसीय अवस्था में उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, यानी कि जितनी ऊर्जा इस एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए, मान लिया ये मेरे पास में गैसीय उदासीन परमाणु है और इस गैसीय उदासीन परमाणु से मुझे ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, अलग करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एनर्जी भी देनी पड़ेगी और जितनी एनर्जी मैं इसको दूंगा और इसको एनर्जी देने के बाद ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इस गैसीय परमाणु से इस एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, आयनन एंथैल्पी बोल देंगे, ठीक है। इसका मान हमेशा क्या होता है, धनायन, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि इसका मान हमेशा कैसा मिलेगा हमें, धनायन, यानी कि जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे तो हमने क्या कह दिया, आयनन एंथैल्पी कह दिया, और आयनन एंथैल्पी जो है वो हमेशा धनायन में होगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। गैसीय अवस्था में उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे हम आयनन एंथैल्पी कह देते हैं, और आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा कैसा होता है, धनायन। वापस रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा समझना, गैसीय अवस्था में उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कह देंगे, आयनन एंथैल्पी कह देंगे, और इसका आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा क्या होता है, धनायन वाला होता है। अब देखिए, जब एक धनायन से हम मतलब एक इलेक्ट्रॉन अलग कर रहे, देखो यहां पर बात वही थी कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन अलग कर रहे तो उसे तो हम क्या कह देंगे, प्रथम आयनन एंथैल्पी कह देंगे। अब जो हमारा प्लस वाला जो बना, यानी कि पहला जो धनायन बना, उसमें से अगर हम दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन अलग करते हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, द्वितीय आयनन एंथैल्पी कह देंगे। और अगर जो हमारे पास में देखो एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से अलग किया, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से अलग किया, अब बात आ रही है तीसरे इलेक्ट्रॉन की, अगर हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को अलग करते हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, तृतीय आयनन एंथैल्पी कह देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा समझें इसको, अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन अलग कर रहे हैं किसी उदासीन परमाणु से, अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन अलग कर रहे हैं
तो उसे तो हम कह देंगे प्रथम आयनल एंथैल्पी। ठीक है, जो हमने अभी यहाँ बोला था कि हमने एक इलेक्ट्रॉन अलग करा था और एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए आयनल एंथैल्पी हमने बोल दिया था, तो इसको हमने बोल दिया प्रथम आयनल एंथैल्पी। ठीक है, अब प्रथम आयनल एंथैल्पी से धनायन बना, यानी कि यहाँ पर हमारा धनायन बन गया। अब इस धनायन में से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन अलग कर रहे हैं, तो जैसे ही हम दूसरा इलेक्ट्रॉन अलग करते हैं तो यहाँ पर उसे हम क्या कह देंगे, द्वितीय आयनल एंथैल्पी। ठीक है, यानी कि इसमें से जो प्रथम इलेक्ट्रॉन अलग करा उसे तो हमने बोल दिया धनायन और उसे बोल दिया हमने आयनल एंथैल्पी, और इस आयनल एंथैल्पी में से हमने दूसरा जो इलेक्ट्रॉन अलग करा है उसे हम क्या बोल देंगे, द्वितीय आयनल एंथैल्पी। अब द्वितीय आयनल एंथैल्पी के बाद में यानी कि ये दूसरा धनायन बन गया हमारे पास में, इसमें से अब हम क्या कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन अलग कर रहे हैं, तो जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन अलग करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, तृतीय आयनल एंथैल्पी। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, ये हमारे पास में आयनल एंथैल्पी का टॉपिक था। इसके बाद में मैं आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।